इस पे रहने वाले? ये हमारा फेस्टिवल, ये हमारे 12वीं एडिशन है। ये टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज नदी में है और हमारी डेट्स हैं 4 से 7 नवंबर। और ये हम जैसे बेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन सिनेमा और इंटरनेशनल सिनेमा दिखाते हैं। और करीबन 50 फिल्म मेकर आएंगे और हम बस फिल्में की 4 दिनों के लिए बस खाली फिल्मों की बातें होंगी, फिल्में देखेंगे और मतलब पूरा एटमोसफेयर फिल्म के ऊपर होगा, सिनेमा के ऊपर होगा। यहाँ अभी एक आएंगे गुनीत मोंगा हैं, वो बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं बॉम्बे से। इनकी फिल्म अभी ऑस्कर में जीती थी, एलिफेंट विस्परर। एक हमारे पार रंजीत हैं, वो साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं। इन्होंने रजनीकांत के साथ 2 फिल्में बनाई हैं जैसे काला, ये भी आएंगे। फिर हमारी ओपनिंग फिल्म के लिए आएंगे वरुण ग्रोवर। इन्होंने, आपको पता है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये राइटर भी हैं, बट ये इनकी पहली फीचर फिल्म है, तो ये हमारी ओपनिंग नाइट फिल्म है। हमारी क्लोजिंग नाइट के लिए मनोज बाजपेयी स्टारर देवशीष मखीजा की फिल्म जोरम दिखाई दे रही है। और बहुत फिल्में कर आ रहे हैं, करीबन 50 आ रहे हैं। मैम, अगर बात की जाए, ये 12वां एडिशन है आपका, क्या कुछ खास है इसको लेकर, अगर आपकी तरफ से कुछ विशेष किया जा रहा हो? क्या मतलब आपका? हाँ, तो ये हमारा इस बारी, हमने फेस्टिवल पहले से बड़ा बन गया है, तो अभी हम 4 स्क्रीनिंग होंगी हमारी। पहले हमारी 3 होती थी, तो मतलब 10:30 बजे से 8:30 तक हर रोज 4 से 7 तक हम फिल्में दिखाएंगे, तो बड़ा बन गया है पहले से। और दूसरी बात है, इस बारी हमारी प्रोग्रामिंग टीम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम है इस साल, हमारे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सबमिशंस। तो एक प्रोग्रामिंग डायरेक्टर है बीना पॉल, जो केरला के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने हमको, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। तो मतलब हमारी टीम भी बड़ी हो गई, हमारा वेन्यू भी बड़ा हो गया, फिल्में भी हम ज़्यादा दिखा रहे हैं इस बारी। जैसे मैंने बोला था 92 फिल्म्स है, ये हैं 50 फिल्म मेकर आ रहे हैं और ये करीबन 40 कंट्रीज से फिल्म्स दिखाई दे रही है। तो बड़ा बन गया, बस बड़ा हो जा रहा है और लोग भी ज्यादा आ रहे हैं। हिमाचल में हो रहा है, तो हिमाचल वालों को किस तरह से बेनिफिट आपको लगता है, इससे मिल पाएगा पर्टिकुलर फिल्म फेस्टिवल से? तो मेरे को, आपको बोलना, आप बताइए जी। सो थैंक यू। सो जैसे कि आप सबको पता है कि धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 4 से 7 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। विदाउट टॉकिंग अलॉट, आई स्पेसिफिकली आंसर योर क्वेश्चन। जैसे आप बोल रहे हैं कि हिमाचल को इससे क्या फायदा है और हाउ इट विल हेल्प, तो बहुत सारे फायदे हैं। ऑब्वियसली वी आर प्रमोटिंग हिमाचल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रमोटिंग धर्मशाला, इट इज़ गोइंग टू द ग्लोबल स्टेज, विश्व रूप में, विश्व स्तर पे इसकी पहचान मिलेगी, लोग इसको जानेंगे, जैसे कि हमने पीछे वर्ल्ड कप मैचेस में भी देखा था। इसके साथ साथ जैसे कि इट इज़ सेटल्ड इन हिमालयस धौलाधार, तो इट इज़ अ यूनिक प्लेस टू बी, टू हैव दिस फेस्टिवल, तो ये एक एडेड एडवांटेज है इसकी। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार कवर नहीं हो पाता है, उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके साथ साथ हमारे जैसे यहाँ पे धर्मशाला में या हिमाचल में बहुत सारा यूथ है जो कि अलग अलग मीडियम से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, चाहे कोई जर्नलिज्म कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई इंडिपेंडेंट सिनेमा करना चाहता है। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, गुड वे, जिसमें आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, जान सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो यूथ है खासकर, उसको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और मेरे को लगता है कि टूरिज्म में भी काफी हेल्प है, क्योंकि लास्ट ईयर, हाँ बताइए, आप सबको पता है कि जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में जो है, इट्स बीइंग सेट एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट, तो आई थिंक इट इज इन द राइट डायरेक्शन, ये एक सही दिशा में है जिससे इसको और बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जैसे हमने पहले बोला, हम स्क्रीनिंग्स, फ्री स्क्रीनिंग्स करते हैं डिफ की, इस बारी हमने गमरू स्कूल में भी किया और डिस्ट्रिक्ट जेल में भी की और दूसरे गांव में भी की, तो हम ऐसे करते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि ये 12 साल में, हम करीबन 10 साल से ये कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं जो पहले, कोई उनको चांस नहीं होता ऐसी फिल्में देखने का, और हर साल आते हैं। मेरी रिपीट ऑडियंस अभी ग्रो हो रही है, तो मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो नौजवान, जो नॉर्मली उनको कोई चांस नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट हो रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, इस बारी हम सिद्धार्थ चौहान की अमर कॉलोनी दिखा रहे हैं, ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म दिखाई है, उसने काफ़ी ट्रैवल की है। तो ये हमारा पहले डिफ फिल्म फेलो था, हमारा एक प्रोग्राम था हिमालयन फिल्म मेकर्स के लिए, तो ये आए थे यहाँ करीबन 8 साल पहले, तो अभी अपनी फीचर फिल्म के साथ आ रहे हैं। हाँ, तो
तो ये शिमला बेस्ड फिल्म मेकर है, बट बहुत अच्छा लगता है कि ये जो पहले यहाँ आए फिल्म फेलो, फिर अपनी शॉर्ट फिल्म के साथ, अपनी फीचर फिल्म के साथ अभी आ रहे हैं, तो मतलब हम देख सक रहे हैं कि हमारी अपनी वॉइसेस इस स्टेट से पैदा हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मैडम, जैसे कि आपने जौरव मूवी का बात की, डबल इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है, कितने टाइम में और कब दिखाई जाएगी जोरम? ये हमारी क्लोजिंग नाइट फिल्म है जोरम, तो ये हम 7 तारीख के शाम को दिखाई रहे हैं। हिमाचल से कितने कलाकार होंगे, कितने प्रोड्यूसर्स, कितने डायरेक्टर्स, कितने लोग इसमें? मेरे को टोटल नंबर तो नहीं मालूम, बिकॉज मेरे को पता कि सिद्धार्थ चौहान अपनी टीम के साथ आ रहा है, जो मैंने दिशा का नाम लिया वो भी आ रही है, तो काफ़ी लोग आएंगे, तो मेरे को लगता है, मेरे को पूरा टोटल नंबर नहीं जानती, मगर 10-12 लोग तो आएंगे ही।